गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा जो क्लास है वो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है और आज हम करने वाले हैं थॉर्नडाइक थ्योरी। आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे थॉर्नडाइक थ्योरी करवा देने को, चलो आज हम थॉर्नडाइक थ्योरी ही करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं थॉर्नडाइक थ्योरी को। देखो थॉर्नडाइक की थ्योरी में जो जो चीजें हैं और जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं बताऊंगी और साथ साथ इसका मेन आप लोगों को जो समझना है वो है कि ये है क्या, है ना, कि ये जो थ्योरी जो इन्होंने बनाई है उनका कॉन्सेप्ट क्या था। गुड इवनिंग रीता, प्रियंका गुड इवनिंग। एक्चुअली में ईएल थॉर्नडाइक का कॉन्सेप्ट क्या था, सभी लोग जो है अपना अपना वीडियो की क्वालिटी जो है वो इंक्रीज कर लेना। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए तो सबसे पहले चीज थॉर्नडाइक की थ्योरी में दो चीजों को आपको याद रखना है, दो चीजें इसमें मेन है, एक है एस और एक है आर। कौन कौन सा है? एस और आर, इन दोनों को अपने दिमाग में रखना है। ये दोनों क्या है और कैसे जो है इनकी थ्योरी में इंपॉर्टेंट है वो चीजें तो मैं भी आपको बताऊंगी, बट इस एस आर के बारे में आपको जानना जरूरी है। पहला है एस और दूसरा है आर, हम इस एस आर की थ्योरी को समझेंगे। गुड इवनिंग। सीआरएसयू का हाँ नोट्स मिल जाएगा, बिल्कुल आप ले सकते हैं। टाइम टेबल आ गया, कब है एग्जाम मनीषा? नहीं, इधर तो बारिश नहीं है आज, तो आपको हरियाणा साइड में बारिश घूम रही होगी ना, आप लोगों को मिलेगा। अच्छा, गुड इवनिंग। हाँ जी आलम जी, मिल जाएगा सीआरएसयू का नोट्स आपको, जो दो नंबर दिया गया उस पर आप मैसेज करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सीआरएसयू का वैसे क्लासेस भी चल रहा है, पेड क्लास चलाया जा रहा है, तो वो भी अगर आपको समझने में प्रॉब्लम होगी तो आप वीडियोस ले सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लीज करा दीजिए। आगरा यूनिवर्सिटी का क्लासेस मैं करवाऊंगी, बिल्कुल करवाऊंगी, लेकिन एक बार आगरा यूनिवर्सिटी का जो है फॉर्म फिलअप का डेट आ जाए। ठीक है, फॉर्म फिलिंग का एक बार डेट आ जाएगा तो उसके बाद से हम कंटिन्यूअस एमसीक्यू लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए 7 जुलाई से एग्जाम है। चलो भाई यहां पे मैं आपको दिखा देती हूं थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत, लर्निंग थ्योरी के नाम से थॉर्नडाइक का जाना जाता है। अभी चलो थॉर्नडाइक की थ्योरी को समझ लो, उसके बाद से हम आप लोगों को जो है सीसीएस का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो दे दिया गया है। सीसीएस के स्टूडेंट जाकर के जो जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चारों पेपर में आपके, वो आपको वहां मिल जाएंगे, वो वीडियो देख लीजिएगा, वो सारे क्वेश्चन आपको एनी हाउ करने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवध यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो दे दिया गया है जो कि आपके तीनों पेपर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएड फर्स्ट ईयर में आता है वो, तो दोनों जाकर के आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। हाँ 13 जुलाई से सीआरएसयू का एग्जाम है, डेट आ चुका है मुझे पता है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे थॉर्नडाइक की थ्योरी को, एस आर थ्योरी, जो कि सभी एग्जामिनेशन में जितने भी आप लोगों के अभी बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम हो रहे हैं सभी में आएंगे। अब जैसे सीआरएसयू के बारे में बात कर रहे हो तो सीआरएसयू में ये चाइल्डहुड में दिया गया है, ये जो है सीआरएसयू में चाइल्डहुड में है, आने के चांसेस बहुत रहते हैं, 80% चांस रहता है कि सीआरएसयू में पूछा जाएगा। दूसरा अगर हम अदर यूनिवर्सिटीज की बात करें तो वहां पर ये लर्निंग एंड टीचिंग में है, लर्निंग एंड टीचिंग में ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो पेपर नंबर थर्ड में मिलेगा। तो ये थॉर्नडाइक की थ्योरी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग भी बीएड फर्स्ट ईयर में हैं। अब यहाँ पे चलो रिवीजन करने के लिए आप लोग बोल रहे थे तो हम अब इसे रिवीजन करते हैं।
जैसे मैंने बताया कि इसमें आपको दो चीजों को जानना बहुत जरूरी है, पहला है एस, एस क्या होता है, और दूसरा है आर। एस क्या है भाई? तो एस होता है स्ट्यूमुली, जिसको कि हम बोलते हैं उद्दीपन, इसको हम क्या बोलते हैं? उद्दीपन। आर क्या है? रिस्पॉन्स, जिसको हम बोलते हैं प्रतिक्रिया, मतलब किसी भी चीज के प्रति हमारा कोई एक रिस्पॉन्स निकलता है तो उसे हम प्रतिक्रिया बोलेंगे। तो ये एस आर के संबंध के बारे में जो है थॉर्नडाइक ने बताया, इन्होंने बताया कि कैसे उद्दीपन यानी कि स्टिमुली होता है तो उसमें जो है रिस्पॉन्स आता है, इन दोनों के बीच का जो है रिलेशन, ये थॉर्नडाइक ने बताया है। इसीलिए इसको जाना जाता है थॉर्नडाइक का संबंधवाद। इसको हम क्या क्या नाम से जानते हैं? संबंधवाद का सिद्धांत भी जानते हैं, इसको जो है उद्दीपक का सिद्धांत भी कहा जाता है, सीखने का संबंध सिद्धांत कहा जाता है, और सबसे ज्यादा यूज होता है ये फाइव नंबर, प्रयास एवं त्रुटि के भूल का एवं भूल का सिद्धांत, जिसको कि हम लोग ट्रायल एंड एरर जो है थ्योरी कहते हैं। थॉर्नडाइक की थ्योरी किस किस नाम से जानी जाती है? ये पांचों के पांचों नाम से जानी जाएगी। सबसे ज्यादा जो है इस नाम से जानी जाती है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, और ये थॉर्नडाइक ने लर्निंग में दी है। ठीक है, कैसे जो है हम मिस्टेक करते हैं और अपने मिस्टेक से ही सीखते हैं, जो भी गलती हम करते हैं उन गलतियों को जब हम दोहराते हैं तो उसी से हमें ये सीखने को मिलता है। हाँ, ये सभी यूनिवर्सिटी में, अवध यूनिवर्सिटी का सेकेंड पेपर साइकोलॉजी वाले में है, मतलब कि जो लोग भी बीएड फर्स्ट ईयर में है ना, उनको ये पढ़ना ही, समझ लो। सबसे पहले मैं इसका जो है जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, ये बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। इनका एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर हुआ है? बिल्ली के ऊपर हुआ। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या दिखाने की कोशिश की है हम पहले वो समझेंगे, एंड देन हम फिर समझेंगे कि भाई इस थ्योरी में जो है क्या बोला गया है, और लर्निंग में यानी कि हमारे सीखने की प्रक्रिया में इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, देख लो, ये आपको क्लियरली ये पिक्चर दिख रहा है, तो ये आपको एक बॉक्स दिख रहा है। ठीक है, ये पूरा जो है एक बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स के अंदर आपको ये बिल्ली दिख रही होगी। ठीक है, ये बिल्ली बहुत भूखी है। जब भी ये लोग एक्सपेरिमेंट करते थे तो बिल्ली को जो है भूखा रखते थे, तो बिल्ली हो या कोई भी एनिमल हो, जानवर हो, तो ये बिल्ली काफी भूखी है। इस डोर को यहां पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये एक दरवाजा है। ठीक है, ये दरवाजा है, और यहां पे एक हुक जैसा निकला हुआ है, दिख रहा होगा। यहां पर देखोगे तो ये जो दिख रहा है ये स्ट्रिंग है, यानी पुल करने वाला स्ट्रिंग है। अगर इसको वो खींच देगी या फिर उसके हाथ से लगेगा, नीचे आएगा, तो ये दरवाजा जो है इससे ये खुल जाएगा, ये दरवाजा जो है, ये डोर जो है ओपन हो जाएगा। तो यहां पर जो दिखाने का काम किया है थॉर्नडाइक ने, ये जो आपको कैट खाना दिख रहा है, कैट ज्यादातर फिश खाती है, इसमें फिश का ही पिक्चर बना हुआ है। तो यहां ये जो है ये स्ट्यूमुली है, ये क्या है? स्ट्यूमुली, जिसको कि हम हिंदी में उद्दीपन कहते हैं। हम हिंदी में क्या कहते हैं इसे? उद्दीपन। ठीक है, उद्दीपन वो होता है या स्टिमुली उसे कहते हैं जो कि हमें कोई काम करने के लिए एक्साइट करती है। ठीक है, एक्साइट कर उत्तेजित करती है, तो स्टिमुली वही है, हमें उत्तेजित करती है। लेकिन बात है कि वो स्टिमुली मेरे मुझे उत्तेजित करने वाली होनी चाहिए। अब जैसे कि मुझे फिश नहीं पसंद, मैं इंसानों की बात कर लेती हूं, तो हमें जो है सबका पसंद अलग अलग है। अब कोई ऐसी चीज मेरे सामने रख दी गई है और बोला जा रहा है ये काम करो, वो चीजें मुझे नहीं पसंद है, तो वो जो चीज है वो मेरे लिए स्टिमुली नहीं होगी, क्योंकि वो मुझे एक्साइट या उत्तेजित जो है नहीं कर रही है अपने काम करने के लिए। लेकिन ये मछली का फेवरेट फूड है, पसंदीदा खाना है, तो अब मछली बोली बिल्ली का, तो बिल्ली का जो है मछली फेवरेट खाना है। इस बिल्ली को जो है थॉर्नडाइक ने इस केज में, इस बॉक्स में डाल दिया, बाहर में ये खाना रख दिया। बिल्ली ऑलरेडी बहुत दिनों से भूखी है, उसको भूख लगा हुआ है, बाहर में खाना देख रही है, बॉक्स में वो एकदम अपना जो रिस्पॉन्स कर रही है, मतलब अब इधर उधर भागना दौड़ना, यही जो है स्टिमुली, यही जो है स्टिमुली को देख करके बिल्ली का रिस्पॉन्स कहलाता है, यानी कि बिल्ली की प्रतिक्रिया कहलाती है। इन्हीं दोनों के बीच में थॉर्नडाइक ने जो है संबंध यानी रिलेशन स्थापित किया है। उनके अनुसार जहां पे स्टिमुली या जैसी स्टिमुली होती है उसी प्रकार का रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया होती है। अब ये बिल्ली को ये बहुत पसंद है, तो जाहिर सी बात है भूख भी लगा है,
तो जाहिर सी बात है कि ये जो है वहां पे करेगी, पूरा उछल कूद कर रही है, जय ये कर रही है। फाइनली अचानक से सडनली बोल सकते हो ये पुल जो लीवर है ये इससे पुल हो जाता है, खिंच जाता है, और ये जैसे ही खिंचता है ये दरवाजा ओपन हो जाता है और ये बाहर आती है और अपना खाना खा लेती है। ये बिल्ली ने अपना खाना खा लिया, ये कैसे हुआ? ये जो अपना एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स यहाँ पे भाग दौड़ कर रही थी उसी के चक्कर में ये पुल हुआ है, ठीक है। यही प्रोसेस इस बिल्ली के साथ 4 बार 5 बार 10 बार डेली जो है ये करवाया गया। उसके बाद इस बिल्ली को पता हो गया कि इस लिवर को पुल करना है और बाहर निकलना है और खाना खाना है, ठीक है। तो यहां से ये बिल्ली समझ गई थी जैसे ही वो किया जाता वो वहां पे जाती और अपना लीवर पुल करती, बाहर आती, खाना खाती। तो एक्चुअली में मेन थॉर्नडाइक की थ्योरी में है कि हमारी स्टिमुली यानी कि हमारा उद्दीपन जैसा होगा वैसी ही प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स निकल करके आएगा, ठीक है। देखो इनका इनके सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा, इनका अपनी थ्योरी में इन्होंने क्या है, इन्होंने अपनी थ्योरी में कहा है कि किसी प्राणी के सामने जब कोई उद्दीपक प्रस्तुत होता है, उद्दीपक यानी कि स्टिमुली प्रस्तुत होता है, तो प्राणी उसके प्रति अनुक्रिया करता है, अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स, या अनुक्रिया तब तक करता है जब तक कि उसे संतुष्टि नहीं मिल जाती, यानी जब तक कि उसे जो है सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाता, या तो उस काम को पूरा कर ले या फिर उस अनुक्रिया करने से जो चीज चाहता है वो उसे मिल जाए। जिस अनुक्रिया से प्राणी को संतुष्टि प्राप्त होती है उससे वो उस उद्दीपक का संबंध या बंधन बना लेता है, यही बंधन अधिगम कहलाता है। और प्राणी के सम्मुख जब कभी भविष्य में वो उद्दीपक आता है तो वो वैसी ही प्रक्रिया व्यक्त करता है। इसीलिए जो है थंडाइक ने दो या दो से अधिक अनुभवों में संबंध स्थापित हो जाने के कारण इसे साहचर्य संबंध भी कहा जाता है। इसमें इसलिए कहा जाता है कि जब हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो हम अपना काम कर रहे, जैसे वो बिल्ली थी, उस बिल्ली को ये पता चल गया, पहले तो उसको भूख लगा था, स्टिमुली बाहर में जो है मछली देखी वो, और वो उत्तेजित हो गई और वो बार बार जो है दौड़ रही है, बार बार रिस्पॉन्स अपना दिखा रही है, पहले दिन का है, दूसरे दिन, तीसरे दिन। अब ऐसा हुआ कि वो उसको पता चल चुका था कि इस लीवर को पुल करना है, बाहर आना है। तो ये जो हुआ कि पहला दिन जो उसको बिल्कुल नहीं पता था कि कैसे दरवाजा खुलेगा, और लास्ट दिन जब उसे पता चल गया कि हाँ इस लीवर को पुल करने से दरवाजा खुलता है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, इन दोनों के बीच का जो रिस्पॉन्स हुआ है उस बिल्ली के द्वारा उस उद्दीपक उद्दीपन को लेकर के, स्टिमुली को लेकर के, यही रिलेशन को जो है पूरी तरीके से थॉर्नडाइक ने दिखाया है। और इसीलिए इसे साहचर्य सिद्धांत कहते हैं, जब दो या दो से अधिक अनुभव यानी एक्सपीरियंसेस उसके हुए। पहला उसका एक्सपीरियंस जब उसे पता नहीं था कि दरवाजा कैसे खुलता है, और लास्ट दिन का एक्सपीरियंस जब उसे पता चल चुका था कि दरवाजा एक्चुअली में कैसे खुलता है। इन दोनों बीच के तरह के जो अनुभव उसके एक्सपीरियंस थे, इन दोनों के बीच में साहचर्य जो होता है, इसे जो दोनों का मिलाप होता है या दोनों के बीच में जो संबंध होता है उसे ही हम साहचर्य संबंध के नाम से जानते हैं। तो ये थॉर्नडाइक की थ्योरी का पूरा कंक्लूजन है। इसमें आप लोगों को दो तीन चीजें एक्सप्लेन करना है और लिखना है, और कुछ खास नहीं है। जो थॉर्नडाइक की थ्योरी से डर जाते हो, कोई भी थ्योरी से आप लोग डर जाते हो, थ्योरी के बस उस आदमी का जो है जिसने ये थ्योरी बनाई है उसका मेंटल स्टेटस समझ लो कि वो क्या कहना चाहता है, बस उसके अनुसार जो है अपना कर दो। तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में रिलेशन बनाना चाहते थे। देखो भूखी बिल्ली वाला जो है पूरा स्टोरी यहाँ पे आपको एलोबरेट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा जब ये थ्योरी आएगी। तो थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का मुख्य प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया, उसने भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया, वो सभी चीजें उसमें लिखी हुई, ठीक है। तो फाइनली जो है थॉर्नडाइक ने यही निष्कर्ष निकाला है कि उद्दीपक, ठीक है, उद्दीपक और वांछित अनुक्रिया के बीच अच्छा संबंध बन जाता है, यानी कि जो स्टिमुली होती है और जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो उन दोनों के बीच का होता है। अब मैं आपको लेकर आती हूं रियलिटी में। ये हमने उनके एक्सपेरिमेंट को देखा, अब देखो कि इसको लर्निंग में कैसे यूज करेंगे। अब मुझे देखो, मैं अपने ऊपर ही बता रही हूं,
मुझे मछली नहीं पसंद, ठीक, और मुझे कोई बोल रहा है देखो ये काम कर दो तो तुम्हें जो है मैं ये फिश ला करके दूंगा, मुझे नहीं पसंद भाई, तो मैं क्यों अपना रिस्पॉन्स दिखाऊंगी, दिखाऊंगी क्या? छोटे बच्चे की बात करते हैं हम, छोटे बच्चे को जो है जैसे कोई सिखाना हुआ या कुछ करना हुआ तो हम उन्हें कहते हैं कि देखो ये हो जाएगा तो ये चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। अब वो जो चीजें उसे मिलने वाली है उसको देख करके उसमें एक्साइटमेंट नहीं आ रहा क्योंकि वो चीजें उसे पसंद ही नहीं है तो वो रिस्पॉन्स नहीं दिखाएगा। जस्ट वाइस वर्सा ले लो कि आप बता रहे हो कि देखो तुम्हारा जो है ये काम अगर तुम यहां तक पहुंच जाओगे तो ये चीजें तुम्हें मिल जाएगी, तो वो चीजें उसे चाहिए तो उसके लिए वो रिस्पॉन्स दिखाएगा, ज्यादा से ज्यादा जो है अपना एफर्ट लगाएगा। तो इसको हम लर्निंग में जो है बहुत अच्छी तरीके से यूज करते हैं, खास करके छोटे बच्चों के साथ तो बहुत अच्छे से यूज होता है, और ये हम बच्चों को सिखाने में या बच्चों को जो है किसी भी काम को करने के लिए जो है एक्साइट करने, उत्तेजित करने या फिर उस काम को करने के लिए, इन सभी चीजों के लिए जो है ये थॉर्नडाइक की थ्योरी हमारी काम आती है। हाँ ठीक है, अभी एक चीज और इसमें दिखा देती हूँ। अब आपको किन किन चीजों को याद रखना है, अभी थॉर्नडाइक के जो सीखने का नियम है, जो लर्निंग थ्योरी इन्होंने बताई है, पहला है आपका अभ्यास का नियम, इनके अनुसार प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब बिल्ली जो है कैसे सीखी, क्या बिल्ली को एक ही बार में पता चल गया कि ये दरवाजा कैसे खुलेगा? नहीं, कैसे पता चला? क्योंकि उसको बार बार प्रैक्टिस करवाया गया है ना। तो पहला इनका कहना है कि ये तीन मुख्य नियम बताए गए हैं और पांच गौण, गौण का मतलब हो जाता है सेकेंडरी, ठीक है। एक बात यहां ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बहुत पूछता है, थॉर्नडाइक के पांच सेकेंडरी नियम अलग है और तीन जो है मेन रूल्स अलग है, ठीक है। अभी हम ये जो पढ़ रहे हैं ये सीखने का यानी लर्निंग का जो तीन मेन रूल है ये है, पहला है अभ्यास का नियम, यानी कि उसमें जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उनको प्रैक्टिस तो करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा हो जाता है प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम है वही बात स्टिमुली को लेकर के, उस स्टिमुली का मेरे ऊपर कितना इफेक्ट है, अगर वो स्टिमुली मुझे उतने नहीं पसंद या उसका इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं है तो क्या मैं उसको आगे बढ़ाऊंगी? नहीं ना। कोई भी काम को करने के लिए अगर मानो कि उस बिल्ली को जो है पिंजरे में डाल दिया गया और बाहर में मोबाइल फोन चाहे आईफोन ही रख देते, क्या उस बिल्ली, वो बिल्ली जो है उस आईफोन के लिए उतना वो दौड़ती? जबकि महंगा है आईफोन, महंगा है ना उसके लिए, सभी के लिए महंगा ही है, लेकिन क्या वो दौड़ती? नहीं ना, क्योंकि उसको उससे मतलब नहीं। तो यही है प्रभाव का नियम, स्टिमुली का प्रभाव यानी उद्दीपन का प्रभाव जो है वो होना जरूरी है, तभी रिस्पॉन्स जो है निकलेगा, ठीक। तीसरा आपका नियम बोलता है तत्परता का नियम, जिसको हम रेडीनेस का जो है लॉ बोलते हैं। रेडीनेस का लॉ यही है कि आप उस चीज को देख करके कितने एक्टिव हो रहे हो करने के लिए। मानो बिल्ली मछली देख भी लेती फिर भी वो जो है एफर्ट नहीं लगाती, बैठी रहती, पेटी भरा रहता, या बहुत ही ज्यादा थक गई रहती, या बहुत कमजोर हो गई रहती, नहीं एफर्ट लगाती, तो क्या उसको पता चलता कि ये कैसे खुलेगा? नहीं ना। तो तत्परता यानी रेडीनेस, जिसमें कि एफर्ट लगाना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज में, तो ये तीन मेन नियम है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि थॉर्नडाइक के कौन से तीन मेन रूल है लर्निंग के, ठीक है, सीखने के लिए। तो ये तीन मेन है। अब आ जाते हैं सेकेंडरी में, सेकेंडरी जो रूल होता है, पहला है बहु अनुक्रिया। अगर इंग्लिश में, हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो चलो हम इंग्लिश वाला देख लेते हैं। देखो थॉर्नडाइक का सेकेंडरी रूल जो है, इसमें पहला है लॉ ऑफ मल्टीपल रिएक्शन। अब क्या बिल्ली ने एक ही रिस्पॉन्स में उस लिवर को पुल किया? नहीं ना। उसके पहले उस खाने को देख करके, उस मछली को देख करके वो पूरे बॉक्स में दौड़ने लगी, यानी एक्स्ट्रा रिएक्शन यानी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स उसने दिया। तो यही है सेकेंड लॉ ऑफ मल्टीपल रिएक्शन, यानी कि बहुत सारे रिस्पॉन्स, बहुत सारे रिएक्शन आपको देखने को मिलते हैं, तब जाकर के उसमें से कोई एक रिएक्शन जो है एक्यूरेट होता है। जब उसने बहुत सारे रिएक्शन किए, उसी में से एक रिएक्शन से वो लिवर पुल हो जाता है। तो यही है सेकेंडरी लॉ में पहला की मल्टीपल रिएक्शन। लॉ ऑफ माइंड, दिमाग का भी यूज है।
अभी जब देखो क्या हुआ होगा ऐसे करके मैं बता दे रही हूँ। जैसे पहला दिन तो चलो उसका लॉ ऑफ रिएक्शन बहुत सारे जो है एक्शंस हुए, उसमें से एक सही जगह पे लग गया। अब उस बिल्ली को, बॉक्स इतना बड़ा था ना, अब उस बिल्ली को पता था कि ये जो दरवाजा खुला है वो यहां वाले रिएक्शन से खुला है, और यहीं पे चक्कर काटे जा रही है ताकि फिर से हो जाए। तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं दिमाग का यूज होता है, बट स्लो लेवल पे होता है, काफी स्लो लेवल पे होता है। रूल ऑफ पार्शियल वर्ब्स, पार्शियल वर्ब्स यानी क्रियाएं, अलग अलग तरह की जो है उसमें क्रियाएं यानी एक्टिविटीज होती है, ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज उसमें देखने को मिलता है जो उद्दीपन को यानी स्टिमुली को देखते होता है। लॉ ऑफ एनालॉजी, एसोसिएटिव रूल, ये सभी जो है आप लोगों के, जैसे ही जो है बिल्ली का वो पहले दिन का रिएक्शन और लास्ट दिन का जो रिएक्शन होता है, दोनों एक्सपीरियंसेस में जो रिलेशन होता है उसके बारे में है कि किस तरह से जो है एक दूसरे को वो कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, ये सेकेंडरी रूल्स तो ऐसे याद रख लेना बट उतना नहीं आता, जो प्राइमरी रूल है, जो मेन रूल्स है वो आपको बहुत पूछे जाते हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना है। सिद्धांत का शिक्षा में महत्व, ये जो इंपॉर्टेंस है, पहला है यह सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि इसमें बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे। इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में परिश्रम के प्रति आशा का साचार होता है, परिश्रम यानी हार्डवर्क, क्योंकि इसमें हार्डवर्क ज्यादा है, बार बार रिपीटेशन प्रैक्टिस ज्यादा है और वो प्रैक्टिस से आदमी को सिखाया जाता है, तो हार्डवर्क इसमें होता है। इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में अनुभव द्वारा यानी एक्सपीरियंस द्वारा लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। यह सिद्धांत बालकों के समस्या समाधान पर बल देता है कि हम कैसे जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये टोटल आप लोगों का जो है थॉर्नडाइक थ्योरी के बारे में है, पूरा निचोड़, जो ऑब्जेक्टिव हो या फिर डिस्क्रिप्टिव हो, आप लोग बीएड फर्स्ट ईयर के चाहे जो भी स्टूडेंट हो, जहां के भी हो, उसमें ये रहेगा। कहीं पे पेपर वन में है तो मोस्ट ऑफ जगहों पे पेपर थ्री में मिलेगा ये, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन ले लूं मैं आप लोग का। चलिए ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है? हम लर्निंग टीचिंग में लर्निंग के सिद्धांत भी यही है ना? हाँ, लर्निंग के बहुत सारे सिद्धांत है, तो उसमें से एक है। अब इसके बाद आपका पावलो का सिद्धांत आएगा, पावलो की थ्योरी है, फिर स्किनर की थ्योरी है, कोहलर की थ्योरी है, बहुत सारी है, तो उसमें से एक है। थॉर्नडाइक के चार सिद्धांत है, नहीं थॉर्नडाइक के एक ही, अच्छा अलग अलग, और हाँ इंटेलिजेंस का आपको एक सिद्धांत मिलेगा, बुद्धि का भी सिद्धांत है। सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए हमने कल के पहले, जस्ट एक दिन पहले यानी कि सैटरडे को एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें सीसीएस बीएड फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है उसमें दिया गया है। जैसे आप लोगों का जो पेपर वन कंटेम्पररी है उसमें कौन सा क्वेश्चन करना है, पेपर टू फिलोसफिकल है उसमें कौन सा करना है, पेपर थ्री ग्रोइंग अप एज अ लर्नर है, पेपर थ्री टीचिंग टेक्नोलॉजी है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन मेन है, गेस क्वेश्चन, वो सारे करके दिए गए। तो वो वीडियो जाकर के देख लो, वो परसों ही अपलोड किया गया है। पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक, इसके बारे में मैंने बता दिया है, एक हम लोगों ने जेंडर किया था जिस दिन, उसी दिन मैंने बताया। तो ये सब टॉपिक जो है उतने कॉमन नहीं है, बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज में है, तो ये करवाया गया है, आप 4 बजे क्लास में जाकर के आप देख सकते हो। मुझे अभी बीएड करनी है, बीएड कहां से करूं? आप कहां से हो पहले तो ये बता दो। जब आगरा यूनिवर्सिटी से एमसीक्यू आ जाएगा तब स्टार्ट होगा। कल जो है अवध यूनिवर्सिटी के लिए वीडियो दिया गया है, उसमें अवध यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का सारा क्वेश्चन दे दिया गया, पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री तीनों का जो है इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन दे दिया गया है, तो कल का वीडियो जाकर के देख लो, मिल जाएगा।
अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन का क्वेश्चन बता दिया गया, प्लीज आप लोग वो वीडियो देखें। ये सब टॉपिक, ये सब जो है ना वो बार बार हम नहीं कर सकते। हाँ, यूट्यूब पे ही वीडियो है, वीडियो में जाकर देख लो। टेलीग्राम पे भी दिया गया होगा, कल जो वीडियो अपलोड हुआ है तो टेलीग्राम पे भी दिया गया है, तो आप यूट्यूब पे ही देख लीजिए, यूट्यूब पे ही दिया गया है। एमसीक्यू जब आगरा यूनिवर्सिटी का जो है इंपॉर्टेंट फॉर्म फिलअप का डेट आ जाएगा तब स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। अवध यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन आपको जुलाई के बाद यानी अगस्त में देखने को मिल सकता है। हाँ, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का मैं प्रियंका आज नहीं हो पाएगा, कल या देखती हूँ आज होगा तो आज या कल तक मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। कल का टाइमिंग 4 बजे रहेगा और कल एक और थ्योरी लेंगे, भी थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। एक बात याद रखना, जब भी डिस्क्रिप्टिव में आप लोगों को थ्योरी लिखने का मौका मिले ना तो जरूर लिखना। थ्योरी में मार्क्स बहुत कम कटता है, थ्योरी में मार्क्स कम डिडक्ट होता है, आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं, तो थ्योरी पहले कर लेना। त्रुटि और भूल का सिद्धांत यही है त्रुटि और भूल का सिद्धांत, नैना इसे ही कहते हैं, ठीक है। चले, थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन।